होशंगाबाद में कॉलोनाइजर भोली भाली जनता को झांसा देकर मकान प्लॉट बनाकर देने का प्रलोभन देते हैं, पर सुविधा उपलब्ध नहीं कराते हैं। इसके बाद अविकसित कॉलोनी के लोग परेशान होते रहते हैं। ऐसा ही मामला होशंगाबाद के चक्कर रोड स्थित विनायक नगर वार्ड नंबर 13 मालाखेड़ी क्षेत्र से सामने आया है। विनायक नगर कॉलोनी के कॉलोनाइजर हरीश शर्मा, विनीता तिवारी और अन्य साझेदारों द्वारा भूखंड विक्रय किए गए थे। विक्रय करते समय विक्रेताओं को यहां सभी सुविधाएं देने को कहा था, वो सुविधाएं आज तक उन्हें नहीं मिली। रहवासियों ने कॉलोनाइजर हरीश शर्मा पर आरोप लगाए हैं कि 8 साल पहले उन्होंने यह कॉलोनी काटी थी। कॉलोनाइजर हरीश शर्मा ने कॉलोनी में सड़क, पानी, बिजली, मंदिर, पार्क की सुविधा देने की बात कही थी, लेकिन आज तक कॉलोनी में किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई। लोगों ने बताया कि कॉलोनी की महिलाओं ने मिलकर यहां मंदिर का निर्माण किया था। कॉलोनाइजर हरीश शर्मा कॉलोनी में आए और जेसीबी से मंदिर की फेंसिंग तोड़ दी। कॉलोनाइजर के इस रवैये से रहवासियों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। खबरबार न्यूज ने जब कॉलोनाइजर से संपर्क करना चाहा तो उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। आई है और जहाँ पे हम लोग सब महिलाएं मिलके वो पूजा करने चाहते थे, मंदिर का निर्माण करना चाह रहे थे। तो क्या हुआ अभी यहाँ पर, किसने क्या हुआ? तो हरी शर्मा आया और गाली गुलौज बक के चला गया, और हमारे पति भी जो पूजा कर रहे थे तो इनको भी सुना के गया, कुछ कुछ उल्टा सीधा बोल के गए, गाली गलौज की। क्या चाहते हैं आप लोग, ये मंदिर किस जगह बना हुआ है, अभी कौन सी जगह है? यहाँ पर मंदिर बना रहे हैं, यहाँ पर मंदिर बना रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। मामला ये है कि हरी शर्मा द्वारा ये प्लाट काटे गए हैं। उन्हें ये बोला गया था कि ये आपको मंदिर और रोड नाली और बच्चों का खेल का मैदान हम देंगे। उनसे बोलते बोलते आज 8 साल हो गए, कुछ नहीं दिया उनने। पूरी महिलाओं ने विचार किया कि हमको अधिक मास में शंकर जी की पूजा करना है, तो उन्होंने ये शंकर जी का मतलब स्थापना करवाई सोमवार के दिन, और उसके बाद जो फेंसिंग एंसिंग पीछे लगी थी ताकि सुअर जानवर गाय वगैरह नहीं आए, उस हिसाब से उन्होंने अभी जेसीबी से तोड़वाया। किसने तोड़वाया, कौन है यहाँ का मालिक? अब हमको तो ये जेसीबी वाले बोले हरी शर्मा ने भेजा है। बहरहाल कॉलोनाइजर के रवैये से पूरी कॉलोनी त्रस्त है। सुविधाएं नहीं मिलने पर अविकसित कॉलोनी में रहने वाले रहवासी खासे परेशान हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबार न्यूज, होशंगाबाद।